ठीक है, एंड प्लेटन रीस्टेंट। अब ये क्या होता है, मैं चाहूँ आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि ये एक्चुअली में आपका होता क्या है। ठीक है, एंड प्लेटन रीस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्लेट्स ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्लेट्स ऑफ मशीन मशीन टू सरफेस ऑफ स्पेसिमन ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द प्लेट्स ऑफ मशीन टू सरफेस ऑफ स्पेसिमन ऑफ कॉन्क्रीट बाय फ्रिक्शन, ओके, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, बहुत छोटी सी बात थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है कि वाई द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडर, तो ड्यू टू दिस एंड प्लेटन रीस्ट्रेंट। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए आज का हमारा सेशन का एक नया टॉपिक और स्टडी करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा हमारे टॉपिक का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डायग्राम फॉर कंक्रीट। ये हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। चलिए समझते हैं इसको। अगर आपको क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्यूब ऑफ साइज 150 mm, एक क्यूब ऑफ साइज 150 mm आफ्टर 28 days ऑफ कास्टिंग, आफ्टर 28 days ऑफ कास्टिंग इज टेस्टेड अंडर कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। मतलब वही कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, वही चीज जो मैंने आपको सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में सिखाया था कि एक क्यूब लिया 150 mm का, 28 दिन तक, 28 दिन, जब 28 दिन हो गए कास्टिंग के बाद, उसको 28 दिन तक क्योर करके रखा और फिर उसको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में क्या करा, टेस्ट करा, है ना। तो जब हमने ये चीज करी तो हमें क्या मिला, देन वी गेट द फॉलोइंग कर्व्स, वी गेट द फॉलोइंग फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब मैं आपको इन रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, और मैं अभी आपको वापस बता रहा हूं, ये रिजल्ट्स आपको याद रहना चाहिए बच्चों, क्योंकि इन्हीं रिजल्ट से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, बहुत सारे। अभी आप जब अपने आप ही कर्व देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, बहुत सारे हमारे रिजल्ट जो है वो काम के है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहां पर कि कर्व जो होगा हमारा वो किस तरह से दिखेगा। सबसे पहले कर्व की तरफ देखते हैं कि कर्व हमें दिखेगा कैसे, है ना। ये देखिए, ये कर्व हमें कुछ ऐसे दिखेगा, ये देखिए, है ना। अब आप सभी शायद से ये बात जानते होंगे, यहां क्या लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा मैं इस तरह से स्ट्रेस, ये देखिए यहां लिखा मैंने यहां पर स्ट्रेस, है ना, और यहां पर मैं लिख दूंगा अपना स्ट्रेन। ओके, इज इट विजिबल टू यू स्टूडेंट्स, ये देखिए यहां लिख दिया अपन ने स्ट्रेन, यस इट शुड बी विजिबल टू यू। अब जब मैंने एक नॉर्मल सा, मैंने क्या करा, एक नॉर्मल सा जब क्या लिया, मैंने कर्व लिया, मतलब नॉर्मल सा क्या करा मेरा, जब पहले टेस्ट किया मैंने, ऐसा मान के चलो जब पहला टेस्ट किया मैंने, तो मान लीजिए मैंने एक लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेके क्या टेस्ट किया, जब मैंने एक लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेके टेस्ट किया तो मुझे जो कर्व था वो कैसा मिला, ये देखिएगा, मुझे कर्व जो है वो ऐसे जाके ये ऐसा मिला, है ना। इस कर्व का जो पीक होगा,
इस कर्व का जो पीक होगा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कर्व का जो पीक होगा है ना, वो मुझे मिलेगा 0.002 पर, है ना। इस कर्व का जो मुझे पीक मिलेगा वो मुझे कहाँ मिलेगा, 0.002 पे। और ध्यान रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो उसका यील्ड होता है, मतलब फर्स्ट फेलियर क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है। फर्स्ट फेलियर क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो उसका फर्स्ट फेलियर, जिसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, उसे ही हम अल्टीमेट लेके चलते हैं। ऐसा क्यों, मैं अभी एक्सप्लेन और करता हूं आपको, बट अभी आप कर्व्स पे ध्यान दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो सिर्फ ये डॉटेड लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देता हूं अब, ठीक है। ये मेरा एक लोअर ग्रेड का कॉन्क्रीट था, ठीक है। मान लीजिए मैंने क्या करा, ग्रेड बढ़ाया। तो मैंने जैसे ही ग्रेड बढ़ाया तो देखिए, मुझे ये पीक मिला इस कर्व का, हल्का सा पीक से जस्ट पहले रहता है ये पीक मिला, और उसके बाद मेरा जो कर्व था वो थोड़ा सा स्टीपर हो गया, फॉलिंग पोर्शन थोड़ा सा और स्टीपर हो गया। और ग्रेड बढ़ाया मैंने तो ये मुझे और ऐसा मिला, मतलब ऐसा होता हुआ मिला इस तरह से यहाँ पर, और उसके बाद देखिएगा ये और स्टीपर हो गया। अगर मैं और ग्रेड बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, और इसके बाद ये जो पोर्शन होगा ये और स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये कर्व्स के आगे मैं लिख देता हूं कि मान लीजिए ये मैंने M20 ग्रेड के लिए किया था, ये मैंने M30 ग्रेड के लिए किया था, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, मैंने ये M40 ग्रेड के लिए किया था, और यहां मैं लिख देता हूं मैंने किसके लिए करा था, M50 ग्रेड के लिए किया था। अब इस पोर्शन की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। चलिए देखिएगा आप यहां पर, है ना, आप यहां पर देखिएगा कि इस कर्व को देखते हुए मैं कितनी बातें लिखूंगा, और आप बोलेंगे कि हाँ सर ये सारी बातें हमें यहाँ पर क्या हो रही हैं, इमेजिन हो रही हैं या हमें दिख रही हैं। देखिएगा आप इस कर्व को और समझिएगा, सबसे पहली बात इससे हमें क्या कंक्लूजन नंबर वन मिला। कर्व को देखिएगा बच्चों, पहला कर्व, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विल अकर एट 0.002, दैट इज 0.2%, है ना, दैट इज 0.2% स्ट्रेन। ये बात आपको यहां पर समझ में आई, क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई, ठीक है। क्योंकि देखिए ना आप, कि जितनी भी बार मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, आप ये देखिए यहां पर, जितनी बार मेरे पास ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है ना, जितनी बार मेरे पास ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन आ रहा है, कहां जा रहा है मेरे पास, ये देखिए, ये इस कर्व के पीक की तरफ देखिए, आप इस कर्व के पीक की तरफ देखिए, है ना, 0.002, इस कर्व के पीक की तरफ देखिए कहां पर आ रहा है, स्ट्रेन कहां जा रहा है, 0.002, इस कर्व के पीक की तरफ देखिए कहां जा रहा है, 0.002। तो लिख सकता हूं मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल अकर एट 0.002, दैट इज 0.2% ऑफ द स्ट्रेन। बहुत आसान बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहां से, जल्दी बोलिए आप, तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ओके, इज इट क्लियर, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी अपन इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए अब इसी कर्व को देखते हुए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, क्या मैं एक ऐसा पॉइंट लिख सकता हूं बच्चों, देखो, एज वी इंक्रीज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, ये भी तो बोल सकते हैं। देखो जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जा रहा है, पीक क्या होते जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, ऊपर की तरफ पीक शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। बहुत ही आसान सा कंक्लूजन था, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं लोअर ग्रेड की तरफ था तो यहां पर ये देखो, यहां पर देखो जो स्ट्रेन थी
वो कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक थी। जब मैं थोड़ा सा हायर ग्रेड की तरफ गया, थोड़े से हायर ग्रेड की तरफ गया, देखो स्ट्रेन कहां आ रही है मेरी, सिर्फ सिर्फ ये यहां पर आ रही है ना। फिर उसके बाद अगर मैंने यहां पर स्ट्रेन की तरफ देखा तो देखिए स्ट्रेन कहां तक जा रही है, ये यहां तक जा रही है। फिर मैंने देखा तो ये देखिए स्ट्रेन कहां तक जा रही है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक जा रही है। तो क्या जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन कम होते जा रही है, स्ट्रेन कम होते जा रही है मतलब इलोंगेशन कम होते जा रहा है, मतलब इलोंगेशन इज डिक्रीजिंग लोड, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, नो डाउट स्ट्रेन बढ़ रही है, लेकिन इलोंगेशन कम हो रहा है, मतलब स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर कम होते जा रहा है, स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेलियर कम होते जा रहा है। तो क्या बच्चों मुझको एक चीज बताना, है ना बच्चों मुझको एक चीज बताना कि क्या मैं यहां से एक बहुत ही नॉर्मल सा कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं, है ना, क्या एक बहुत ही नॉर्मल सा कंक्लूजन बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं। और वो कंक्लूजन देखिए क्या लिखने की कोशिश करूंगा मैं यहां पर, देखिएगा आप लोग क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगेन एज वी इंक्रीज द ग्रेड, एज वी इंक्रीज द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, है ना, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट द डक्टिलिटी डिक्रीजेस, द डक्टिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेस, है ना, डक्टिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेस। क्या आपको ये बात समझ में आई, देखिए है ना सब कुछ जो मैं लिख रहा हूं इस कर्व से लिख रहा हूं, मतलब ये कर्व का एनालिसिस, कर्व का जो हमने टेस्ट किया है ना, इसकी जो कर्व का हमको बिहेवियर मिला ये भी बहुत ही शानदार, मतलब इसी से हम लोग कॉन्क्रीट का बिहेवियर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक और बात ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको लिखवाना चाहिए, देखिए मैं लिखवा रहा हूं आपको, है ना, फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, इसका फोर्थ पॉइंट है ना। आपने कर्व तो देख ही ली है, आपको कर्व का सफिशिएंट नॉलेज हो गया कि कर्व किस तरह से दिख रही है आपको, है ना, कर्व कैसी दिख रही है। तो ध्यान रखना है ना, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट इज, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कॉन्क्रीट इज नॉन लीनियर। क्या लिखा जाएगा इस शेप को, क्या लिखा जाएगा, नॉन लीनियर लिखा जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, अगर मेरा डक्टिलिटी, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा डक्टिलिटी क्या हो रहा है, सॉरी मैंने डक्टिलिटी के बारे में क्या लिखा है, हाँ डिक्रीजेस लिखा है, यस, अगर डक्टिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटलनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डक्टिलिटी कम हो रही है ना, तो ब्रिटलनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हमेशा बोल सकते हैं ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब एक और चीज लिख रहा हूं उसी के बारे में, हायर द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जितना ज्यादा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज होगा, वी विल फाइंड स्टीपर फॉलिंग पोर्शन ऑफ कर्व। चलिए इसको समझते हैं अपन लोग, रुकिएगा है ना, इसको समझते हैं। देखिए ये देखिए आप कर्व की तरफ देखिए, कर्व में जैसे जैसे ग्रेड बढ़ते जा रहा है, ये जो फॉलिंग पोर्शन है, फॉलिंग पोर्शन मतलब ये पीक के बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है, पीक के बाद जो नीचे की तरफ आ रहा है, सारी कर्व्स में देख लीजिए, चारों कर्व्स में देख लीजिए क्या मिल रहा है आपको, स्टीपर होते जा रहा है, जैसे जैसे मेरा ग्रेड क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। एक और बात हम लोग लिख सकते हैं इस फॉलिंग पोर्शन के बारे में, हमेशा ध्यान रखना ये जो पोर्शन होता है आपका, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा यहाँ पर, ये आप चाहें तो यहाँ पर स्ट्रेन का वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, 0.004 से लेकर 0.006 आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट चूंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ RCC, तो मुझे ये चीज़ें क्या हो गई, याद हो गई। लेकिन ये जो पांचों पॉइंट है, स्पेशली जो शुरू के मैंने चार पढ़े हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख देता हूँ लास्ट पॉइंट इसका, है ना, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम, मतलब ये वाला पॉइंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिक्स पॉइंट बना के, क्या लिख रहा हूँ, सिक्स पॉइंट बना के, दी फॉलिंग पोर्शन
ओके द फॉलिंग पोर्शन पोर्शन ऑफ कर्व कर्व लाइज इन अ स्ट्रेन ऑफ रेंज इन अ स्ट्रेन ऑफ रेंज है ना 0.004 से लेकर 0.006 के बीच में ही वो आपको कहीं मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है ना, द लास्ट पॉइंट ऑफ कर्व द लास्ट पॉइंट ऑफ कर्व लास्ट पॉइंट ऑफ कर्व इज कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रशिंग स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि यहां पर जाके मेरा जो स्पेसिमन है कॉन्क्रीट का वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई तो ध्यान रखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर जो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा। ठीक है, आपने जिस तरह से कर्व को देखा है ना, जिस तरह से आपने क्या करा, कर्व को एनालाइज करा। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ? ठीक है, ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि कर्व को एनालाइज करने से मुझे ये सारी चीजें मिली, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और जो फोर्थ है और फिफ्थ पॉइंट तक जो है हमारा, ये आप जरूर याद रखेंगे। सिक्स्थ और सेवन्थ एज सच कहीं पर मैंने देखा नहीं कि पूछा गया है, बट शुरू के जो पांच मैंने आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ सकते हैं। ठीक है कि हाँ सर, जो पांचों पॉइंट आपने लिखे हो तो हम कर्व को देख के महसूस कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज को क्या करते जा रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। अब आज हमने स्ट्रेंथ वाला जो पोर्शन था वो पूरा खत्म कर लिया, मतलब जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था वो पूरा कवर कर लिया। इसी जब हमने स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट किया होगा, उसी टेस्ट से ही हमारा क्या हुआ होगा, कर्व हमारा फॉर्म हुआ होगा। तो आज हमने कर्व के बारे में भी क्या कर लिया, पूरा स्टडी कर लिया। ठीक है, तो आज इस सेशन को मैं इसी टॉपिक के साथ एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नई प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कॉन्क्रीट की। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।